दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप BNMU मंडल से भूपेन नारायण मंडल यूनिवर्सिटी से अगर आप BA की पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं तो 18 में, तो किस तरह अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। अगर आप 17 में भी दिए हैं तो उसका भी रिजल्ट आप चेक कर पाएंगे ऑनलाइन। अगर आप 18 में दिए तो उसका भी रिजल्ट ऑनलाइन कर पाएंगे, क्योंकि 17 का भी 18 का भी 17 का पहले कर दिया गया था रिजल्ट घोषित, अब 18 का भी घोषित कर दिया गया है। हम आपको 17-18 दोनों का रिजल्ट चेक करना बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज सीखते हैं भूपेन नारायण मंडल यूनिवर्सिटी में किस तरह अपना रिजल्ट चेक करते हैं, और क्वालिफाइड किसे कहते हैं, प्रमोट किसे कहते हैं, डिसक्वालीफाइड किसे कहते हैं, पास विद हॉनर्स किसे कहते हैं, सारी चीज़ को हम आपको बताएंगे पूरी विस्तार से, इसलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए, मैंने BNMU की वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जैसे भी इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, आप इसको मोबाइल में भी कर सकते हैं सेम इसी तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि अपडेट चल रहा है, इवेंट एंड अपडेट, ये देख लीजिए, यहाँ पूरी कॉलेज लिस्ट वगैरह है, तो इसी में आपको सर्च करना होगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट में हमको मिल रहा है रिजल्ट फॉर DP1 2018 जनरल, उसके बाद है रिजल्ट फॉर DP1 2018 हॉनर्स। रिजल्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे रिजल्ट ऑफ DP1 2018 हॉनर्स। जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे एक PDF ओपन हो जाएगा। यह देखिए, ये PDF है, ये BNMU मंडल के अंदर जितने भी कॉलेज, सभी कॉलेज का लिस्ट है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ही TP कॉलेज मधेपुरा का, ये 8 का है, ठीक, 8 का BA, मतलब BA होता है 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो पास किए हैं स्टूडेंट, पास विथ हॉनर्स, जो भी स्टूडेंट हॉनर से पास किए हैं उसका रोल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इसमें खोज लीजिए, अगर आपका रोल नंबर इसमें आ गया है तो आप पास कर गए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। इस रोल नंबर में अगर आपका है तो आप पास कर गए। TP कॉलेज से यहाँ पे 408 विद्यार्थी पास किए हैं। उसके बाद आता है प्रमोटेड। अगर प्रमोटेड में अगर आपका रोल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब होगी आप तो पास कर गए हैं मगर एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं, एक सब्जेक्ट में आपको क्रॉस लग गया है। तो एक सब्जेक्ट का पेपर आप भर कर फिर से एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आप पास कर सकते हैं। प्रमोट माने एक सब्जेक्ट में फेल आप किए हैं, ठीक है। उसकी यहाँ तक देखिए प्रमोट है, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में आपने फेल किया है तो प्रमोट में आपका आएगा, ठीक है। प्रमोट 35 बच्चे हुए जो TP कॉलेज से हुए। उसके बाद फेल जो हुए, यहाँ पे देखिए ये पूरी फाइल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड, यहाँ पे ये क्वालिफाइड है, मतलब ये पास कर गए हैं, ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के बाद ये पास कर गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिसक्वालीफाइड, डिसक्वालीफाइड मतलब ये पूरी सब्जेक्ट में ये स्टूडेंट फेल कर गया। जिसका भी रोल नंबर डिसक्वालीफाइड में आता है तो ये पूरी सब्जेक्ट में फेल कर गया। अगर सिर्फ क्वालिफाइड में आता है तो एक सब्जेक्ट में वो फेल किया है, अगर डिसक्वालीफाइड में आपका रोल नंबर आता है तो वो सारा सब्जेक्ट में फेल कर गया, उसको फिर से फॉर्म भर के फिर से सभी सब्जेक्ट का देना होगा एग्ज़ाम। अब्सेंट जो एग्ज़ाम में उपस्थित नहीं हुए उसका लिस्ट है। और यहाँ पर पेंडिंग, पेंडिंग क्या होता है हम आपको बता देते हैं। देखिए, पेंडिंग आपने परीक्षा दिया, आपने कॉपी जमा किया, लेकिन आपका कॉपी खो गया, नहीं मिल रहा है, कहीं रखा पे चले गया, तो इस स्थिति में आपका कॉपी जांच नहीं हो पाया, इसकी वजह से आपका रिजल्ट भी नहीं आया, आपका पेंडिंग हो गया। मतलब कि जांच करते हुए आपका कॉपी नहीं मिला, कहीं रखा चले गया या उस तक पहुँचा ही नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो पेंडिंग में आता है। तो ये पेंडिंग 3 स्टूडेंट का है, तो इनके लिए होगा ये अपने यूनिवर्सिटी और या कॉलेज से संपर्क करें और उनको कहें खोजने के लिए एक आवेदन दें, तो वहाँ पे उनका कॉपी जांचा जाएगा, फिर से उनको जांच के उसका फिर से एग्ज़ाम दिया जाएगा, ठीक है। तो पेंडिंग मतलब कॉपी खो गया। उसके बाद यहाँ पे साइंस का दिया गया है, ठीक है, साइंस में देख लीजिए कितना, सेम इसी प्रकार जिस तरह मैंने बताया, प्रमोटेड माने एक सब्जेक्ट में फेल, फेल माने पूरा फेल, क्वालिफाइड माने पास, उसके डिसक्वालीफाइड में सभी सब्जेक्ट में फेल, इसी तरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सभी कॉलेज के।
तो टीपी कॉलेज था, ये केपी कॉलेज मुरलीगंज है, इसी तरह आप समझ गए हैं। तो दोस्तों ये था, ये था आपको बीए पार्ट वन 2018 का, ठीक है। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं अगर आप 17 में भी किए हैं तो उसका किस तरह कर पाएंगे। तो बीएनएमयू की वेबसाइट पे आना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर 17 में पास किए हैं तो यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट जोन है, स्टूडेंट जोन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे रिजल्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट फॉर डीपी वन, रिजल्ट फॉर पार्ट वन, रिजल्ट पार्ट टू, रिजल्ट पार्ट थ्री 2017 का जो भी आपको चेक करना है उस पर क्लिक करना होगा। ये पार्ट 17 का बता रहा हूँ, 18 का तो मैंने बता दिया किस तरह, ये 17 का। उसके बाद यहाँ पे बता देता हूँ सेलेक्ट योर कॉलेज, आप किस कॉलेज से थे बीए पार्ट वन में वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फैकल्टी, मतलब आप उसमें बीए थे या बीएससी थे या बीकॉम थे, तो जो भी थे वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स में हॉनर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आपको फाइंड शॉप रिजल्ट शॉप पे क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपना रिजल्ट 17 में पास किए या 18 में, तो इसी तरह अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। आज समझ गए किसे प्रमोटेड कहते हैं, किसी क्वालिफाइड कहते हैं, किसी डिसक्वालिफाइड कहते हैं, किसे पास विश ऑनर्स कहते हैं, ये सारा चीज़ आपको विस्तार से बता दिया। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की आपको जानकारी आपके मोबाइल पर वीडियो के माध्यम से मिलती रहे ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं हूं आपका दोस्त जीशान आरिफ और आप देख रहे थे जीशान मॉनिटर। आज की वीडियो में यहीं तक।